आईपीएल सीजन 13 का 11वां मुकाबला सनराइज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला जा रहा है, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स के न्योते को सनराइज हैदराबाद ने स्वीकार किया और 162 रन बोर्ड पर लगा दिए। 163 रनों का लक्ष्य यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को मिला है। लेकिन आज भले ही जॉनी बेस्टो, डेविड वार्नर ने अच्छी पारियां खेली हों, लेकिन एक शख्स जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया है, उसका नाम है अब्दुल समाद। और एलडी न्यूज की पूरी टीम अब्दुल समाद को सलाम ठोकती है। जिस तरीके से आज अब्दुल समाद ने पारी अच्छी खेली है, यहाँ पर 7 गेंदों में 12 रन बनाए हैं उन्होंने, लेकिन भले छोटी पारी है, एक पिंच हिटर के रूप में आज उन्हें खिलाया गया था। इनके बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कश्मीर से आए हैं, कश्मीर से प्लेयर्स बहुत कम निकलते हैं। जिस तरीके से एक टाइम पे ईस्ट जोन से बहुत कम प्लेयर्स निकलते थे, लेकिन जब सौरव गांगुली आए, महेंद्र सिंह धोनी आए, तो अब वहाँ से प्लेयर्स निकलने लगे। अब्दुल समाद ने कुछ वही किया, उन्हीं के नक्शे कदमों में चले, लेकिन आज जो उनका छक्का 86 मीटर का था, नॉट ये को उन्होंने छक्का जड़ा था, उस छक्के ने आज ये तो बता दिया कि अब्दुल समाद को जो खिलाया गया था वो कोई गलत फैसला डेविड वार्नर का नहीं था, ना ही सनराइज हैदराबाद के किसी भी टीम मैनेजमेंट का था। इसे जन्नत कहा जाता है, वहां से निकल कर आते हैं। क्या खूबसूरत पारी, छोटी पारी खेली है लेकिन बेहतरीन पारी खेली है। दिखा दिया है कि आईपीएल जो है वो इंडियन लीग जरूर है, लेकिन ये आईपीएल जो है वो इस बार दिखा देगा कि इस आईपीएल में डोमेस्टिक प्लेयर्स का जो जलवा रहता है वो जलवा बरकरार है। संजू सैमसन, राहुल टिवटिया, उसके बाद ईशान किशन और अब अब्दुल समाद, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के फ्यूचर हैं, जो भारत को आगे लेकर जाएंगे। भले ही पॉलिटिकल टेंशन चल रही हो, लेकिन आज दिखा दिया इस कश्मीरी लड़के ने इसमें कितना दम है। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।